यार वीकेंड आए और अपने साथ कुछ चटर पटर खाने की क्रेविंग्स ना लाए, ऐसा तो होता ही नहीं है। क्योंकि बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। हमें तो हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ बढ़िया नाश्ता खाने को तो चाहिए। तो बस आज मैंने भी सोचा क्यों ना इस आलू का ही उद्धार किया जाए। तो चलो फिर शुरू करते हैं बनाना। नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले तैयार करेंगे हम यहाँ पर डो, जिसके लिए मैंने ली है 1/2 कप सूजी बारीक वाली, साथ में 1 टमाटर की प्यूरी ऐड करी है और कुछ बेसिक मसाले जैसे कश्मीरी लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, अजवाइन, हल्दी और 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। साथ में मल्टीग्रेन मैंने यहाँ पर आटा ऐड किया है और 3 टेबलस्पून यहाँ पर ऑयल ऐड किया है ताकि डो हमारा सॉफ्ट रहे, और थोड़ा थोड़ा पानी कर ऐड करके सॉफ्ट डो रेडी कर लिया है, जैसे हम रोटी का बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। और बस जो आलू गरम था उसको पहले ठंडा करके अच्छे से छील के उसको मैश कर लेना है। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, मैंने फोक की हेल्प से इसे मैश कर लिया है। 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच अजवैन, 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और 1 बड़ा चम्मच मैंने गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक और धनिए को तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि धनिए के बिना तो कोई भी फिलिंग हमारी इनकम्प्लीट है। तो बस फिलिंग हमारी रेडी है और डो भी हमारा रेडी है, जिसे हमने रेस्ट करने रख दिया था। बस थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके इसकी एक रोटी बेल लेनी है और थिकनेस इसकी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है और पतली भी नहीं रखनी है। सेंटर में मैंने इसे यहाँ पर एक कट दिया है और जो फिलिंग हमने रेडी करी थी उसको बस अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ध्यान रखें जो फिलिंग हम इसमें भर रहे हैं आलू की वो सेंटर पर ही रहे, कॉर्नर्स में ना जाए, क्योंकि हम इसे इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। और हाँ, मैंने इसमें चीज़ भी ऐड करी है ताकि थोड़ा सा चीज़ी बन सके, ऑप्शनल है, आप चाहें तो मत कीजिए। और देखिए बहुत ही आराम से ये एक शेप ले लेता है, ना समोसा बनाने का झंझट और ना ही ब्रेड पकौड़ा बनाने की मेहनत करनी है, क्योंकि इतनी आसानी से आपका इतना टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। बस गरम गरम तेल में इसे क्रिस्प होने तक आप फ्राई कीजिए, ये अंदर से सॉफ्ट होता है और बाहर से क्रिस्प होता है। इस स्नैक का असली मज़ा इसके डो में है। जब हम डो प्रिपेयर करते हैं तो आप स्पाइसेस को अच्छे से ऐड कीजिए, क्योंकि डो की वजह से ही इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये बहुत क्रिस्पी भी है और इसे आप आसानी से बना भी सकते हैं। और हाँ, इसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं है तो आप आराम से इसे खा भी सकते हैं। तो बस इंतज़ार किस बात का, इस वीकेंड आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।